हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ वेफ़र्स और अंडे की बहुत ही डिलीशियस स्नैक्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ वेफ़र्स ले लिया। वेफ़र्स को हम इस तरह से अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे, उसे हम अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे। इस तरह से हम उसे ऊपर से पैकेट कट कर लेंगे और इसे हम अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे। इसे हमें अच्छी तरह से क्रश कर लेना है। इस तरह से क्रश करके उसमें हम यहाँ पर बारीक कटी हुई प्याज ले लिया है मैंने, यहाँ पर टमाटर ले लिया, यहाँ हरी मिर्च ले लिया, ये सब हम इसमें डाल देंगे। इस तरह से सभी चीज़ें हम इसमें डाल लेंगे। अब इसमें हम ये अंडा भी इसमें फोड़ कर डाल लेंगे। इस तरह से हम इसमें अंडा भी डाल देंगे। इस तरह से हम इसमें दोनों अंडे भी डाल लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल लेंगे। नमक इधर हमें कम डालना है क्योंकि यहाँ पर वेफर्स में नमक है, इसलिए नमक हम थोड़ा डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह इस तरह से हाथों से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हम सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से हम इसे अच्छी तरह से रोल बना लेंगे इस तरह से, और इसे हम इलास्टिक से बांध देंगे। इस तरह से हम उसे बांध देंगे। अब हम एक कढ़ाई में पानी लेंगे। इस तरह से हम कढ़ाई में पानी ले लेंगे और इसे अच्छी तरह से उबाल आने देंगे और इसमें हम वेफर्स इस तरह से वेफर्स और अंडे का मिक्सचर डाल देंगे और इसे हम ढक लेंगे और इसे अच्छी तरह से हम 5 मिनट के लिए उबाल आने देंगे। आप देख सकते हैं 5 मिनट हो गया और ये अच्छी तरह से उबलने लगा है। अब हमारे अंडे अच्छी तरह से पक गए। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से उबल गई है। अब इसे हम इस तरह से पीसेस में कट कर लेंगे। इस तरह से हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। आप चाहे तो इसे इसी तरह भी खा सकते हैं या तो फिर आप इसे तवे पे सेक कर खा सकते हैं। मैं इसे तवे पे सेक रही हूँ। मैंने यहाँ इस तरह से एक तवा ले लिया है और तवा गर्म होते ही इस पर मैं बटर डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह से सभी जगह फैला लूंगी। जैसे ही बटर हमारा मेल्ट हो जाए, अब इस तरह से मैं उसमें अंडे के पीसेस एक एक करके रख लूंगी और इसे हम अच्छी तरह से दोनों साइडों से अच्छी तरह से इसे हम सेक लेंगे। इस तरह से हम दोनों साइडों से उसे अच्छी तरह से पलट पलट कर दोनों साइडों से सेक लेंगे। तो यहाँ पर हमारा हेल्दी ब्रेकफास्ट बनकर तैयार है। अगर आप लोगों को मेरी यह रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।